नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर चंदौसी से है, जहां ज्ञानदायिनी वीणा वांदिनी के अवतरण दिवस बसंत पंचमी का उत्सव व चंदौसी नगर में भक्ति भाव से मनाया गया। इस पावन अवसर पर संबल जनपद की चंदौसी के फव्वारा चौक स्थित प्राचीन मां सरस्वती मंदिर को भव्य रूप से विभिन्न प्रकार के फूलों से श्रृंगार किया गया। अपने आराध्य के अलौकिक दर्शनों को सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। लोग भजन कीर्तन गाकर और प्रसाद चढ़ाकर मनोते मांग रहे हैं और मंदिर पहुंचे हैं। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना था कि वर्ष एक बार बसंत पंचमी के पर्व पर मंदिर आते हैं और ज्ञानदायिनी मां सरस्वती से पूजा अर्चना कर परिवार में सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि यह प्राचीन मंदिर है, यहां मांगने पर हर मुराद पूरी होती है। चंदौसी नगर के अशोक नगर स्थित आरजीएस पब्लिक विकलांग स्कूल में बसंत पंचमी के अवसर पर हवन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सपा के युवा नेत्री मौनी कुमारी के पति वरिष्ठ सपा नेता मोहम्मद तरकीर मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम में मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर उन्हें प्रणाम किया है। इस मौके पर उन्होंने स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों को उपहार भेज के और सभी के जीवन की खुशहाली के लिए मां सरस्वती की प्रार्थना की। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि यदि प्रदेश नेतृत्व उन्हें 31 विधानसभा में उम्मीदवार बनाता है तो विधायक बनने के बाद वह विद्यालय को आर्थिक मदद प्रदान करेंगे और नन्हे मुन्ने बच्चों को आवास की सुविधा भी दी जाएगी। हमें आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ। पब्लिक स्कूल में आज आप आए हैं, बसंत पंचमी का उत्सव आपने मनाया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सभी चंदौसी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें मौका मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। ये विकलांग बच्चों का कॉलेज है, शायद मुझे तो लग नहीं रहा कि संभल जिले में इसके अलावा कोई और कॉलेज हो। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी व्यवस्था है इनके यहाँ। हमें आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ। अगर आगे मोनी कुमारी कुछ बनती हैं तो इस स्कूल की भी हम मदद करने का काम। पावन उत्सव पर विद्यालय में हवन किया गया, इसमें चीफ गेस्ट के रूप में हमारी मोनी कुमारी के हस्बैंड यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में पधारे हैं और इन्होंने यहाँ की बच्चों की दशा देख करके, बच्चों की स्थिति देख करके बड़ा खुश हुए और इन्होंने ये वादा किया कि यदि हमारा यहाँ से हमें कामयाबी मिलती है और हम आगे के लिए विद्यालय के लिए हम इनके आर्थिक मदद भी करेंगे। और बुधवार को मुरादाबाद के मैनाठेर में 20 लाख से ज्यादा की डकैती करने के मामले में आज मुरादाबाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी देहात ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीते बुधवार को मैनाठेर में अज्ञात बदमाशों ने एक प्राइवेट डॉक्टर के यहां 20 लाख से ज्यादा की डकैती की वारदात को अंजाम दिया था और बदमाश मौके से फरार हो गए थे। वहीं सूचना पाकर एसएसपी प्रभाकर चौधरी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया और चल के आरोपी गिरफ्तार करने को घटना खुलासा करने की बात कही थी। वहीं आज पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 3 तमंचे, 2 चाकू और कुछ केश बरामद किया। सर सामने देख लीजिए, सर सामने देख लीजिए सर, भाई कैमरा पीछे कर दीजिए, जरा बोल जैसा कि आपको जानकारी है, 10 तारीख की रात्रि में थाना मैनाठेर में डॉक्टर जयवंत सिंह के घर में अज्ञात बदमाशों द्वारा घुस करके लूटपाट की गई थी। सोना चांदी के जेवरात, कैश और उनके साथ मारपीट भी किया गया था। इस संबंध में उनके द्वारा दिए गए तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया और हमारी टीम SOG और थाना मैनाठेर की टीम हमारे SP साहब के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रही थी और कल रात में 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। हमें जानकारी थी, कुछ सूचना भी मिली हुई कुछ लोग आ रहे हैं पुनः वारदात करने के लिए,
तो पांच लोगों से जब हमारी पूछताछ हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 10 तारीख की घटना में हम सम्मिलित थे और हमारे द्वारा इस तरह की घटना की गई है और उन्हीं की निशादेही पर लूट के जेवरात और कुछ ऐसे माल थे जिनको उन्होंने बेच दिया था, उससे प्राप्त धनराशि बरामद हुई है। बरामद करने में पूरी तरह से एसपी सिविल लाइन्स एसओजी टीम और थाना मैनेठेर की टीम रही है और इस घटना के पीछे जो प्रथम दृष्टया हम लोग जब गए थे उसी समय पता चल रहा था जैसा परिस्थितियों को देखने से कि कोई नज़दीकी व्यक्ति है तो इस घटना में एक 57 वर्षीय राकेश हैं जो इनके दूर के रिश्तेदार हैं। ये पहले थाना हजरत नगर गढ़ी से एक हत्या के मुकदमे में जेल जा चुके हैं और इन्होंने इन चार लोगों को बुला करके इस घटना को अंजाम दिया और कल पुनः किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि इनको ये जानकारी थी कि इस घर में वृद्ध डॉक्टर दंपत्ति रहते हैं और इनके पास पैसा काफ़ी है और इनका उद्देश्य ग्राम पंचायत के जो आगामी चुनाव है प्रधानी का चुनाव लड़ना था और उसके लिए ये पैसा जुटाने के लिए इस प्रकार की लूटपाट की घटना इन्होंने कारित कराया। राकेश एक बार जेल जा चुके हैं अपने गांव में एक हत्या के मामले में और चार अन्य जो हैं अन्य चार में एक के खिलाफ आर्म्ड सेट का अभियोग है और बाकी के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं क्योंकि तीन तो इनके गांव के ही हैं और दो लोग हैं, एक इसमें बदायूं का है, एक गाजियाबाद जनपद का है। और कितनी लागत का माल लूट किया है? देखिए जो वादी के द्वारा बताया गया था उनके आधार पर उनके जेवरात अभी मतलब अभी हमारी बातचीत हुई है रात में भी कि उनका ये कहना है कि अभी हमारे जेवरात पूरी तरह बरामद नहीं हुए और हमारी अभी भी टीम सक्रिय है बरामदगी के लिए। तो उस कीमत के बारे में बरामदगी हमारे पास करीब 3,66,000 रुपये और उन्होंने अपने द्वारा पहचाने अपने जेवरात और कीमत का आकलन अभी इस स्तर पर किया जाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये बरामदगी है और उनको संतुष्ट करने का हमारे द्वारा प्रयास किया गया चूँकि मुलजिम का टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होना है इस वजह से हम उसके चेहरे। उत्तर प्रदेश सीतापुर जनपद खिराबा थाना क्षेत्र में बाबा बजरंग मुनि पर चाकू से हुआ है ताबड़तोड़ हमला खिराबा क्षेत्र में गूंजी है गोलियों की थरथराहट। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बताते चलते हैं कि थाना खिराबा क्षेत्र के बाबा बजरंग मुनि तथा स्थानीय लोगों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ। खिराबाद में संगत की जमीन को लेकर हुआ था विवाद। तीन लोग गंभीर रूप से घायल जख्मी हो गए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर किया गया। जिला अस्पताल और क्षेत्र खिराबाद को छावनी में किया गया था तब्दील। यह पूरा मामला सीतापुर जिले के खिराबाद थाना क्षेत्र के बाबा बजरंग मुनि आश्रम का है। आज यहाँ कस्बा खिराबाद में दो पक्षों के मध्य काम के बाद में विवाद प्रकाश में आया है जिसमें चार लोगों को चोट लगी है। उपचार यहाँ जनपद के अस्पताल हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसमें हुआ है प्राथमिक और अभी स्टेबल है, उन्हें कोई गंभीर चोट अभी प्रकाश में नहीं आई है पर बेहतर इलाज के लिए उनको लखनऊ रेफर किया गया है। बाकी शांति व्यवस्था लेके कोई समस्या नहीं है, हमारे पास समुचित रूप से जहाँ पुलिस बल है वो तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है।